दोस्तों, आज के समय में बैटरीज का क्या महत्व है ये सब हम अच्छे से जानते हैं। आज हम इलेक्ट्रिक उपकरणों से इस तरह घिर गए हैं कि हम विद्युत के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन समस्या ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हर जगह और हर वक्त तो नहीं किया जा सकता है ना। इसलिए वैज्ञानिकों ने विद्युत को एक छोटे से डिवाइस में स्टोर करने के लिए बैटरी नाम का एक यंत्र बनाया था, जिसका उपयोग पावर सेव करके लंबे समय तक यूज करने के लिए किया जाता है। और आज के समय में तो दिन ब दिन बैटरीज का यूज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज के समय में लोगों को हर समय विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बैटरी हमारे वर्तमान युग में शक्ति का एक सामान्य स्रोत है। हम अपनी कारों को शुरू करने के लिए, अपने लैपटॉप को चालू करने के लिए, घंटों तक अपने सेलफोन पर बात करने के लिए बैटरी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, वैसे तो बैटरी कई तरह की होती है, जिनका आविष्कार अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा किया गया था, और साथ ही वक्त के साथ इनमें सुधार करके इसे और भी आधुनिक बनाया गया था। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं नन्ही बैटरीज के प्राचीन दस्तावेज और इनके आविष्कार तथा समय के साथ इनमें हुए बदलाव के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वास्तविकता की बात की जाए तो बैटरी भी बिजली का एक स्रोत है। इसलिए बैटरी के आविष्कार का इतिहास भी इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। और हजारों साल पहले जब लोग बिजली के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, तब बिजली की तरह बैटरी भी अज्ञात थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का ख्याल मानव के मन में आकाशीय बिजली को देखने के बाद आया था, पर कहीं ना कहीं मानव को इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान सदियों पहले से था। आपको बता दें, मिस्र मतलब इजिप्ट वासियों को 2700 साल पहले से ही इलेक्ट्रिक फिश के बारे में मालूम था, जिसके सबूत मिस्र में कई आर्कियोलॉजिकल खोजों के दौरान मिले। और साथ ही ईसा से 600 साल पहले ग्रीस के रहने वाले थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक ने एम्बर पत्थर से हुए आकर्षण पर गहरा अध्ययन करके स्टैटिक चार्ज की खोज की थी। दोस्तों, इनकी इस खोज का किस्सा बेहद दिलचस्प है। आप हमारी इलेक्ट्रिसिटी की खोज वाली वीडियो में इनकी इस खोज के बारे में अच्छे जान पाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। फिर दोस्तों, साल 1936 में बगदाद शहर के पास एक नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा था। इसी खुदाई के समय यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को तकरीबन 2000 साल पुराना एक प्राचीन मकबरा दिखाई दिया था। जब वैज्ञानिकों ने इस मकबरे की छानबीन की तो पाया कि यहाँ पर कई तरह के पुराने हथियार, पहिए, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें मौजूद थी। इन चीजों के बीच बिटुमिन से सील किए गए कुछ मिट्टी के जार भी मिले थे, जो कि तकरीबन 6 इंच लंबे थे, जिसमें एक लोहे की छड़ थी जो कि तांबे की चादर से बनी नली से घिरी हुई थी। तब उन लोगों को इन मिट्टी के जार में 2000 साल पहले ही बैटरी का उपयोग किए जाने का संदेह हुआ। फिर इसी तरह के कई नमूने बाद में रोम से भी मिले थे। इन सब पर अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि इस तरह के पॉट्स का उपयोग ईसा से 3000 वर्ष पूर्व रोम और बगदाद में धातु को इलेक्ट्रोप्लेट करने या आग लगाने वाले हथियार के रूप में प्रयोग में लाया जाता रहा होगा। बाद में वैज्ञानिकों ने इन पॉट का नाम पार्थियन बैटरी रख दिया। हालांकि बैटरी शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साल 1749 में किया था, जब वह लिंक किए गए कैपेसिटर के सेट का उपयोग करके लाइटनिंग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अगर आधुनिक दुनिया में हुई बैटरी के आविष्कार की बात करें तो उसका क्रेडिट जाता है इतालवी भौतिक विज्ञानी एलेजांद्रो वोल्टा को, जिन्होंने साल 1800 में दुनिया की पहली बैटरी वोल्टिक पाइल का आविष्कार किया था। आपको बता दें, वोल्टा का जन्म इटली के कोमो में साल 1745 में हुआ था। उनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। उनका परिवार चाहता था कि वोल्टा कानून की पढ़ाई करे, लेकिन वह 18वीं शताब्दी के मध्यकाल में पैदा हुए थे, जब पूरी दुनिया में बिजली के आविष्कार को लेकर एक संग्राम चल रहा था और इसे बिजली के युग की शुरुआत के रूप में जाना जाता था। इसलिए 14-15 साल की उम्र में ही उन्होंने भौतिकी के प्रति अपने जुनून का पता लगा लिया और अन्य वैज्ञानिकों की तरह वह भी बिजली के बारे में अत्यधिक मोहित और उत्सुक हो गए और उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने की ठान ली थी। आपको बता दें, वोल्टा ने कोई औपचारिक डिग्री नहीं ली थी, वह एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे, क्योंकि उनके हिसाब से उनके लिए ज्ञान कक्षाओं और डिग्रियों तक ही सीमित नहीं था। फिर भी वो हमेशा भौतिकी के क्षेत्र में कार्यरत रहे थे। जब वे 18 साल के थे, तब उन्होंने अपने पारिवारिक मित्र के साथ प्रयोगशाला में प्रयोग करना शुरू कर दिया था और हमेशा बिजली के साथ अपने प्रयोग जारी रखे। उनके महान ज्ञान और भौतिकी के प्रति प्रेम के कारण 1778 में उन्हें पाविया विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर लिया गया था। आपको बता दें, साल 1780 में लुईगी गलवानी नाम के एक और भौतिकी के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मेंढकों, विभिन्न धातुओं और बिजली के साथ कुछ हैरान कर देने वाले प्रयोग किए थे। आपको बता दें, उन्होंने कुछ मेंढक लिए और उनके पैर काट दिए तथा उन कटे हुए पैर को धातु की बार से जोड़कर बिजली के तूफान में रख दिया। अपने प्रयोगों के दौरान उन्होंने देखा कि जब बिजली के तूफान उस बार से टकराते हैं तो मेंढकों के पैर में हलचल होने लग जाती है। इससे उन्होंने ये तात्पर्य निकाला कि मेंढक के शरीर में भी बिजली होती है। हालांकि इसे बाद में नर्व इम्पल्सिस के विद्युत का आधार माना गया, लेकिन वोल्टा ने अवलोकन की आलोचना की और तर्क दिया कि मेंढकों की मांसपेशियां मनुष्यों की मांसपेशियों की तरह ही बिजली पर प्रतिक्रिया कर रही थी। मेंढकों की मांसपेशियां बिजली पैदा नहीं कर रही थी। वोल्टा गलवानी को गलत साबित करना चाहते थे।
धीरे धीरे वोल्टा और गलवानी का यह विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और इसने इतालवी वैज्ञानिक समुदाय को दो भागों में बांट दिया। हालांकि इस घटना के बाद वोल्टा भी लगातार गलवानी के इस परीक्षण को बारीकी से अध्ययन कर रहे थे, जिसके चलते अलेसेंड्रो वोल्टा ने इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने कई तांबे के और चांदी के सिक्के लिए और फिर एक तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के ऊपर ढेर करते चले गए और प्रत्येक ढेर को स्टील के तार से जोड़ दिया और फिर उन्होंने चांदी के शीर्ष सिक्कों को तारों से जोड़ दिया जो कि पहले से ही एक मेंढक के पैर से जुड़े हुए थे, जिससे सर्किट पूरा हो गया और इस प्रक्रिया से मेंढक का पैर हिल गया। अपने इस प्रैक्टिकल में वोल्टा को गलवानी के प्रयोग के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि गलवानी के प्रयोग में बिजली पैदा करने के कारण मेंढकों की मांसपेशियां नहीं थी बल्कि दो अलग अलग प्रकार की धातुएं थी। आपको बता दें कि इस प्रयोग में जिंक और कॉपर धातु के कई जोड़े शामिल थे। इन दो धातुओं ने दो इलेक्ट्रोड के रूप में काम किया था, जिसे हम कैथोड और एनोड के रूप में जानते हैं। वोल्टा ने इन दोनों धातुओं को एक कपड़े से अलग कर दिया था, जिसे नमकीन घोल में भिगोया गया था। ये कपड़ा इलेक्ट्रोलाइट का काम करता था। जब तार के दो सिरों को ढेर से जोड़ा जाता है तो ढेर के माध्यम से बिजली बहने लगती थी। इसके बाद उन्होंने एक और तांबे, चांदी और अन्य धातुओं का ढेर बनाया, जिसमें उन्होंने सेम प्रक्रिया को अपनाया, बस धातुओं की मात्रा बढ़ा दी थी। और फिर उन्होंने एक तार लिया और तार के दोनों सिरों को ढेर से जोड़ दिया, फिर यहां से एक स्थिर धारा बहने लगी। इस बार वोल्टा ने देखा कि विभिन्न प्रकार की धातुएं अलग अलग मात्रा में करंट पैदा कर रही थी और साथ ही अधिक डिस्क होने की वजह से विद्युत प्रवाह में बढ़ोतरी हो गई थी। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए चांदी और तांबे के इस ढेर को वोल्टाइल सिल का नाम दिया, जो तांबे चांदी के डिस्क का एक समूह था, जिसे नमक के पानी में भिगोकर कपड़े से अलग किया गया था। उनके इस वोल्टाइल सेल से लगभग 3 महीने तक विद्युत प्रवाह उत्पादन किया जा सकता था। या वोल्टेज का उत्पादन तब बंद नहीं होता था जब तक कि वोल्टेज के उत्पादन के लिए इसमें घुला नमक पर्याप्त रूप से कमजोर नहीं हो जाता था। बाद में 20 मार्च 1800 को वोल्टा ने पहली बार लंदन की रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष के सामने अपने इस आविष्कार इलेक्ट्रिक पाइल के बारे में सूचना दी। उस समय कई वैज्ञानिक वोल्टा के आविष्कार से बहुत संतुष्ट हुए थे। हालांकि वोल्टा अपने सेल से केवल थोड़ी मात्रा में ही बिजली का उत्पादन कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कई सेल को एक साथ जोड़कर बैटरी का काम किया। उनकी पहली बैटरी में 6 सेल थे और ये 2V बिजली का उत्पादन कर सकती थी, मतलब 2 वोल्ट। जब वोल्टा का आविष्कार प्रकाशित हुआ तो इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया दरवाजा खोल दिया। अन्य सभी वैज्ञानिक ये पता लगाने लग गए कि वे इस ऊर्जा के नए रूप में और क्या कर सकते हैं, जो पहले बनाई गई भारी स्थिर मशीनों की तुलना में कहीं अधिक पोर्टेबल थी। वोल्टाइक बैटरी ने बिजली का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान किया, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सीमाएं थीं। हवा में नमी होने के कारण, क्षरण के कारण इसे लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती और बड़ी मात्रा में बिजली प्रदान करने में भी असमर्थ थी। इन सभी कमियों ने जर्मन रसायनक जॉर्ज ओम और फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी आंद्रे मैरी एम्पियर जैसे वैज्ञानिकों को इसके कार्य के तरीकों में और सुधार करने के लिए प्रेरित किया, जिसके चलते साल 1836 में अंग्रेज जॉन एफ डेनियल ने डेनियल सेल का आविष्कार किया, जिसमें दो इलेक्ट्रोलाइट्स कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का उपयोग किया गया था। यह सेल कुछ हद तक सुरक्षित और कम रखरखाव वाला था। फिर इसके बाद साल 1859 में फ्रांसीसी आविष्कारक गैस्टन प्लांट ने पहली व्यवहारिक स्टोरेज लीड एसिड बैटरी विकसित की, जिस बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता था। इस प्रकार की बैटरी आज मुख्य रूप से कारों में उपयोग की जाती है। दोस्तों, इसके बाद समय के साथ साथ कई लोगों ने अलग अलग बैटरी का आविष्कार किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि बैटरी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है, जो कि बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़कर बनाई जाती है। इन बैटरी सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस केमिकल में मौजूद आयंस की वजह से होते हैं। हर एक सेल में कैथोड और एनोड दो प्रकार के प्लेट मौजूद होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में सहायक होते हैं। सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का बहाव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, परंतु सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इस प्रकार बैटरी से आउटपुट करंट और वोल्टेज मिल जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।